हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ के। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं DIY चारकोल फेस मास्क। ये फेस मास्क आपके स्किन को डिटॉक्स करेगा, यानी कि स्किन के ऊपर की जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज है उसको दूर करके स्किन को डीपली क्लीन बनाएगा। अभी के टाइम में पॉल्यूशन के कारण हमारे स्किन डल और बेजान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की जो धूल मिट्टी गंदगी है वो हमारे स्किन के ऊपर आकर चिपक जाता है, और उसे साफ़ करने के लिए हम फेस वॉश का यूज़ करते हैं। लेकिन फेस वॉश पूरी तरह से हमारे स्किन को क्लीन नहीं कर पाता है। स्किन के पोर्स के अंदर गंदगी कहीं ना कहीं रह जाता है, और वो दिन भर दिन जमते जमते कई तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, स्किन रैशेस आदि जैसे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। चारकोल में हमारे बॉडी की बैक्टीरिया और टॉक्सिन को सोखने की क्षमता पाई जाती है। ये हमारे स्किन के ऊपर की डर्ट इम्प्यूरिटीज और टॉक्सिन को मैग्नेट की तरह खींचकर बाहर निकलता है, जिससे हमारा स्किन डीपली क्लीन बनता है। साथ ही स्किन पर एक चमक भी आता है, और एक्ने, पिंपल्स जैसे कई तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं चारकोल फेस मास्क को घर पर कैसे तैयार करना है, और इसे तैयार करने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। और अगर आप इस फेस मास्क का पूरा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। होममेड चारकोल फेस मास्क बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, ये आपको किसी भी स्टोर या ऑनलाइन से मिल जाएगा, हनी यानी कि शहद, और लास्ट में हमें चाहिए टी ट्री ऑयल, ये भी आपको ऑनलाइन से आसानी से मिल जाएगा। चारकोल फेस मास्क को तैयार करने के लिए एक बोल लेकर उसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। अब इन दोनों पाउडर को एक स्पून के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस पाउडर में हम ऐड करेंगे शहद। 1 टीस्पून जितना शहद हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इस शहद को पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। लेकिन ये मिक्सर अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि शहद थोड़ा थिक है और पाउडर का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पानी। पानी का कोई अमाउंट नहीं है, आपको जितना अमाउंट पानी चाहिए उतना अमाउंट पानी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी मीडियम रहना चाहिए। अब इस पाउडर को पानी के साथ हम फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट जैसा कंसिस्टेंसी में बन जाए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 2 to 3 drops जितना टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री ऑयल को ऐड करने के बाद इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो भी इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमारा जो चारकोल फेस मास्क है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। अब इस फेस मास्क को एक ब्रश के हेल्प से हम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को किसी भी फेस वॉश या क्लींजर से अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें। यहाँ पर हमने चारकोल डाला है। चारकोल हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है। वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि चारकोल हमारे स्किन को क्या क्या बेनिफिट्स पहुँचाता है। और यहाँ पर हमने चारकोल के अलावा भी मुल्तानी मिट्टी, हनी और टी ट्री ऑयल का यूज़ किया है। मुल्तानी मिट्टी भी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है, साथ ही साथ एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है, जिससे हमारा स्किन ऑयली भी नहीं लगता और एक्ने, पिंपल्स होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। शहद हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है, जिससे हमारे स्किन की नमी बरकरार रहता है। और जो टी ट्री ऑयल होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जो एक्ने, पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये स्किन की रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब पूरे फेस पर ये फेस मास्क लगाना कंप्लीट हो जाए, तब इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर इसी तरह से छोड़ दें। 20 मिनट हो चुका है और हमारा फेस मास्क भी ड्राई हो गया है। अब हम अपने फेस को पानी से वॉश कर लेंगे। मैंने अपने फेस को पानी से वॉश कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन और क्लियर लग रहा है। तो देखा आप लोगों ने, इस फेस मास्क को घर पर बनाना कितना इजी है। इसको आप अपने घर पर बनाया और इसे हफ्ते में 1 या 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे 2 हफ्ते में 1 ही बार यूज़ करें। इसको आप अपने घर पर बनाकर यूज़ करें, और इसका रिजल्ट क्या आता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल के नीचे दिए गए जो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके पास में जो घंटी बटन है उसे दबा देना। तो मिलते हैं हमारे अगले और एक नए वीडियो के साथ।